हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फेरोज कुकिंग। आज हम मैसूर बोंडा और मैसूर बज्जी हमारे घर में किस तरह बनाना की देखेंगे। ये कप्पू दही ले तो हूँ, ये दही खट्टा हना। पाव टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक, दाल को इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। हमारे घर में विस्कर है तो विस्कर से मिक्स कर लिया। मेरे पास देखिए छाछ की रबड़ी है, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह वीडियो में दिखाते हैं उस तरह। ये बेकिंग सोडा डालने से दूध गोलने का, दही गोलने का ये हो जाता है, अच्छा मिक्स होकर पूरा फूल जाता है। इसमें एक टेबल स्पून ऑयल डाल लेना, ऑयल डालने को अच्छे से मिक्स कर लेना। ये ऑयल डालने से क्या होता है बोलते, ये बेकिंग सोडा सोप डालने से अच्छा मॉइस्चर हो जाता, हमारे बोंडे बोलने का सॉफ्ट सी आती है, दही को फुलाता है तो बेकिंग सोडा बोलने का वैसा। इसको अच्छा एक 2 मिनट तक हमें ये मिक्स कर लेना। ये हमारा दही का बैटर बोलने का अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें मैं अब 1 कप दही ली हूँ, इसी कप से 1 कप गेहूं का आटा लेता हूँ। तुम्हें लिए तो मैदे का आटा भी लिया जा, नहीं तो गेहूं का आटा भी लिया जा। मैदा ज्यादा हेल्थ का अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं गेहूं का आटे के बोंडे बनाता हूँ। 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप हॉट वाटर गर्म कर लेना। ये हॉट वाटर डालने से क्या होती है बोले तो इनका बोंडे अंदर सॉफ्टी सॉफ्टी से आती है, कच्चे बोलने के नहीं रहते। इसमें जरा जरा पानी डालते हुआ इसको मिक्स करते रहना। ज्यादा पानी डाले तो इनका ये सुबह आटा बोलने का पतला हो जाता है। इसको अच्छे से लम्स नहीं सरका, आटा आटा नहीं सरका, अच्छे से मिक्स कर। बोंडा बैटर सोको रेडी हो चुका है। इस कंसिस्टेंसी में हना आप वीडियो में देखते हैं, इस कंसिस्टेंसी में हना अच्छा। इसमें हम और जरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ये क्या कि देखेंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 से 2 चॉप करे हुए हरी मिर्च, 3 से 4-5 करे पत्ते उसको भी चॉप कर लेना। ये अदरक इसको भी बारीक से चॉप कर ले को डाल लेना। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना, वीडियो को आधे घंटे तक बाजुक रख लेना। हमें बोंडंग की चटनी किस तरह घर में बनाना की बटखड़े रख लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून तक ऑयल डाल लेना। इसमें 1/2 कप फली के बिंजा, इसे मूंगफली भी बोल को बोलती हैं। 1 टेबल स्पून माश की दाल, इसे उड़द दाल भी बोल को बोलती हैं। 2 से 3 लहसुन के पीसेस डाल को इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर। 8 से 10 हरी मिर्ची को इस तरह बारीक चॉप कर ले को। ये सब मिक्सर को एक बार अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना। ये हमारा मिक्स अच्छे से भुने गया है, अब इसको थोड़ी देर हमें ठंडे को देखो, इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये हमारा बैटर, ये सभी फलियां मुहल्ले से सभी ठंडे हो चुके हैं। इसमें 1/4 कप तक हमें फुटाने डालेंगे। ये फुटाने ऑप्शनल डाल ले तो इनका अच्छा टेस्ट होती है, वो मिला को मिक्स कर ले तो। 1/2 टेबल स्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, मैं यहाँ क्या की 1 टेबल स्पून तक डालू। इसमें माल कठोरी कोथिमीर जरा पानी डाल को, या 1/4 कप तक वाटर डाल को इसको बारीक से ग्राइंड कर लेना। ये हमारा चटनी बैटर रेडी हो चुका है। इसमें हमें माश की दाल, करेपाकु, जीरा, राया, जरे सूखे मिर्चा दाल को बघार कर ली। इस तरह हमारी बोंडा में की चटनी रेडी हो चुकी है। हमें बोंडे डीप फ्राई करने के लिए ऑयल डाल चुके हैं। ये ऑयल हाई फ्लेम पर गरम होने देना, मीडियम फ्लेम पर रखे तो देर ही गरम होता, हमें बोंडे डाले तो भी अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आते। कितना हीट होता है कि ऑयल उतना अच्छा बोंडे बोलने के ग्रीन गोल्डन ब्राउन कलर में काती। ये हमारा ऑयल हीट हो चुका है, इसको अब हम मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। ये हमारा बैटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं 1 आधे घंटे से ज्यादा रख लूँ। इसको अच्छे से गोल गोल कर ले को, इस तरह धीरे से छोड़ लेना ऐसा। मैं वीडियो में दिखाती हूँ, इस तरह हल्के से छोड़ लेता हूँ, हमारे बोंडे बोलने के अच्छे आती। ये हमारे बोंडे इस तरह रेडी हो चुके हैं, अच्छा देखे तो कलर देखो किस तरह दिखता है कि अच्छा। इस तरह हमारे बोंडे रेडी हो चुके हैं। ये हमारे बोंडे रेडी हो चुके हैं, हमें इसे सर्विंग प्लेट में काट ली। चटनी और बोंडे ये किस तरह बनाना की वीडियो में सब भी देख डाली, इसको तुम्हें देख को कैसा आया कि मुझे पका को कैसा आया कि कॉमेंट करो। प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।